2001 में स्टार्ट किया था, और वो तारीख थी 30 सितंबर 2001 की, और आज हम लोग 18 सितंबर, तो ऑलमोस्ट लगभग 21 साल पहले इसी सितंबर महीने में मेरी जिंदगी के अंदर भी पहली बार ये प्रोग्राम आया था। और उस समय जब प्रोग्राम मैंने देखा तो प्रोग्राम देखने के बाद बहुत कुछ दिमाग में नहीं आया कि क्या करना है कैसे करना, इसलिए चूंकि आज से जब आप 20-21 साल पहले जाएंगे तो उस तरीके से ना कंप्यूटर का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ना ऑनलाइन का ज्यादा ग्रोथ हुआ था। हम लोग पटना जैसे शहर में रहकर पढ़ाई करते थे, तो इक्के दुक्के साइबर कैफे दिखते थे, और चूंकि उसकी जो कॉस्टिंग थी वो कॉस्टिंग इतनी ज्यादा थी कि हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे वो लोग सोचते भी नहीं थे कि हम लोग ये जाके इस चीज को कम से कम जानने की भी कोशिश करें कि आखिर ये साइबर कैफे के अंदर में होता क्या है। लेकिन थैंक्स करना चाहूंगा इस ड्यूसॉफ्ट के सिस्टम को कि सही समय पे ऊपर वाले ने एक कहते हैं ना कि एक मतलब मैसेज दिया कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो नीचे वेट कर रही है, और एक दोस्त के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो लगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो वाकई में 360 डिग्री के अंदर आपकी जिंदगी को पलट के रख सकती है। ये सोचा था, क्या होता है कि जब आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी आपको मिलती है तो शुरुआत के दिनों में आप उस अपॉर्चुनिटी को आप आंख से तो देखते हैं, लेकिन आंख से देखने से वो काम चलता नहीं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को अपने आंख के साथ साथ अपने दिमाग में अपने जहन में डालना पड़ता है। और जिस वक्त मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था उस समय हम लोग पटना के अंदर एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जी रहे थे, कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, और वहां से अगर किसी के जरिए ये आपको पता चले कि आप इस सिस्टम के जरिए लाखों करोड़ों तक पहुंच सकते हैं, आप इस सिस्टम के जरिए जो है एक वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा बिलीव होना मुश्किल हो जाता। लेकिन कहते हैं कि आप जो भी बड़ी बड़ी चीजें आपने दुनिया के अंदर देखी है या जितने भी बड़े बड़े कारनामे आपने पढ़े होंगे देखे होंगे, आपने सोचा देखा होगा कि एक चीज कॉमन था कि हर वो बड़ी चीज जो बड़ी अचीवमेंट आज आपको दिखती है कभी ना कभी वो अनकॉमन रहा, कभी न कभी वो ऐसा लोगों को लगा कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता, और जो चीज नहीं हो सकता आपके हिसाब से अगर उसी को किसी ने कर दिया तो उसको हम लोग बोलते कि नहीं इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट की। तो शुरुआत के समय में हमारे लिए भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये चीजें बैठी हुई थी कि ये सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जो एक एजुकेशन के प्रोजेक्ट को लेके चल, और हम लोग जिस एज ग्रुप के अंदर थे, जो हमारा एज ग्रुप था स्टूडेंट कैटेगरी का, हमें लगा कि अगर इसमें कुछ नहीं भी होगा तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन तो जरूर हम लोग इसके जरिए ले सकते हैं। और आज से 20 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो एक बहुत वैल्यू की चीज रहती थी, आज भी बहुत वैल्यू की चीज है, लेकिन आज से 20 साल पहले तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज था। आज आप सोच के देखें कि हम लोगों ने जिस समय शुरू किया उस समय लोगों को हम लोग बताते थे कि आने वाले कल के अंदर जो है लोग ऑनलाइन के ऊपर पढ़ेंगे, लोग जो है परीक्षा देने की बात, आज आप अलग अलग जगह पे जाके आप रेलवे का एग्जाम देते हैं या बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्स देते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम आप ऑनलाइन के जरिए दे सकते हैं, आप ऑनलाइन पे डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स आपको ऑनलाइन पे पढ़ाएंगे, ये सारी की सारी चीजें बोलते थे, लेकिन उस समय उस तरीके का जो प्रैक्टिकल चीजें थी वो दिखती नहीं, तो लोगों को लगता था कि हो सकता है कहीं ये ड्यूसॉफ्ट के अंदर हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए तो नहीं ये बता रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग इनके ये में आके ज्वाइन कर। लेकिन आज आप देखिए 20 साल के बाद किस तरीके से चीजें बदली है कि जो जो चीजें हम लोगों ने आज से 20 साल पहले लोगों को बताया था वो चीजें आज की तारीख के अंदर वो सारी की सारी चीजें वो हो रही। आज आप देखेंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आज इंडिया में ओवरऑल अगर किसी एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो जगह ले लिया है वो सेंट्रल एग्जाम्स को पीछे करके ऑनलाइन के ऊपर ले लिया है। पिछले 2 साल जो 2020 और 21 हम लोगों का रहा वो पूरी तरीके से कोरोना के अंदर रहा, और उस कोरोना के अंदर वही सिस्टम सिर्फ सरवाइव कर पाया जो सिस्टम पूरी तरीके से ऑनलाइन के ऊपर टिका हुआ। उन्हीं घर के बच्चे जो है वो पढ़ाई अपना किसी तरीके से पूरा कर पाया जिन घर के अंदर जो है वो ऑनलाइन का वो सिस्टम था या नेट का कनेक्टिविटी था। और आज अगर हम लोग बैठे हुए हैं जूम के माध्यम से, तो ऐसा नहीं था कि जूम ये कोरोना में ही आया था, लेकिन कोरोना के आने के बाद लोगों को इस जूम जो ऐप है इस ऐप की अहमियत पता चला कि पूरी दुनिया के लोग कहीं भी अलग अलग देशों के हों, अलग अलग जगह के हों, लेकिन अगर चाहे तो एक जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें जो है ये एक ऐसे माध्यम के जरिए आया जिस माध्यम का नाम ऑनलाइन था। और ये सिस्टम जो ड्यूसॉफ्ट के सिस्टम है, आप सभी लोगों को पता है कि ये सिस्टम भी ऑनलाइन के सिस्टम है, और ऑनलाइन के साथ भी एक एजुकेशन का पैटर्न।
आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो दुनिया के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की जो है अगर खरीद बिक्री होगी या वैल्यू होगी या उसका अप्स डाउन्स होगा तो वो एक लेवल तक होगा, लेकिन एजुकेशन के मार्केट की जहां तक बात है तो उस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ही ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड कभी भी एजुकेशन के मार्केट में आता नहीं। और यही रीजन है कि पिछले 20 सालों से तकरीबन 22 सालों से ड्यूसॉफ्ट जो है इस एजुकेशन को लेकर चल रही है, और आप यकीन मानिए कि 22 साल में ड्यूसॉफ्ट ने तकरीबन इस पैकेज को लगभग 65 लाख लोगों के घर तक जो है इस एजुकेशन पैकेज को पहुंचाया है। आप सोच के देखिएगा 65 लाख लोगों ने अभी पिछले 22 साल के अंदर इस कोर्स को ज्वाइन किया और इस कोर्स के जरिए वो अपने एजुकेशन को ले रहे हैं और उसके साथ साथ अपने करियर को भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी पिछले 22 साल के अंदर ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा बहुत ही छोटा है। इसलिए छोटा है कि अगर हम आज तो हम लोग ग्लोबल दुनिया की बात करते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल वर्ल्ड को छोड़ दें और हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करें तो आज तकरीबन हम लोग 130-135 करोड़ के पॉपुलेशन वाले कंट्री में रहते हैं। अगर हम लोग 1% पॉपुलेशन को भी इस ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 1,35,1,35,00,000 जो है वो ज्वाइनिंग हमारे अंदर एसोसिएट्स के तौर पे होने चाहिए और हम लोग अभी 60-65 लाख के आसपास है। आप मान के चलिए कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की अभी अगर हम ऑनलाइन ग्रोथ की बात करेंगे तो 0.5% से भी ज्यादा की, और ये भी जो ग्रोथ आया है ये ग्रोथ सबसे ज्यादा उस समय आया है जिस समय ये ग्रोथ आपका कोरोना ने इन चीजों को हमें आगे देने की कोशिश की। अगर कोरोना नहीं आता तो शायद ये जो अभी आप 0.5% की ग्रोथ भी देख रहे हैं ये भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब पिछले 2 साल के अंदर इस ग्रोथ में बहुत तेजी से इजाफा आया और लोगों के अंदर ये बहुत ही बड़ा मैसेज गया कि आने वाले कल के अंदर अगर हमें अपने आप को सर्वाइव कराना है, हमें अपने आप को दुनिया के साथ कम्पीट कराना है तो हमें अपने माध्यम को, चाहे वो हमारा पढ़ाई का माध्यम हो चाहे वो हमारा बिजनेस का माध्यम हो, हमें उसको ऑनलाइन पे लेके जाना। जिस चीज को आप कह सकते हैं कि ड्यूसॉफ्ट पिछले 20 सालों से वर्कआउट कर रही थी, पिछले 2 साल के अंदर दुनिया ने भी इसके ऊपर पूरी तरीके से मोहर लगाया कि नहीं, वाकई में आने वाले कल का जो सबसे इमर्जिंग सेक्टर है वो सेक्टर है ऑनलाइन का, और अगर ऑनलाइन के साथ एजुकेशन का सेक्टर आ गया तो आप समझ सकते हैं कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और ड्यूसॉफ्ट जो पिछले 22 सालों से अनमैच्ड तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो ड्यूसॉफ्ट के आजू बाजू आगे पीछे कोई सिस्टम नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसे सिस्टम नहीं है जो सिस्टम ने इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोजेक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के साथ अप्रोच किया, उसके साथ लाया और पिछले 22 सालों से सक्सेसफुली इन चीजों को ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त, आप कह सकते हैं कि मतलब लीथल कॉम्बिनेशन हो गया ऑनलाइन एजुकेशन का और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ एक करियर अपॉर्चुनिटी का। हम जैसे लोग जो उस समय एजुकेशन ले रहे थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, उनको लगा कि नहीं, अगर हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अगर हमारे गार्जियंस जो हमें 2,000-2,500 उस समय के हिसाब से घर से पैसे भेजते थे पढ़ाई करने के लिए, अगर उस पैसे को अगर हम थोड़ी सी मेहनत भी करें, घंटे दो घंटे मेहनत कर दें इसके ऊपर, तो हो सकता है कि वो पैसे जो हमें गार्जियंस भेजते थे उस पैसे को उनके पैसे की जरूरत शायद आपको ना हो और अपने पैरों पे खुद खड़े होकर आप मेहनत करके जो है अपने आप को या अपने पढ़ाई को फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेंटल बूस्टअप था कि आप एक ऐसे समय में जहाँ पे आप पढ़ाई के ऊपर पूरी तरीके से जो है अपनी गार्जियंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, वैसे समय पे अगर आपको इस ड्यूसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आपको उसी समय से अपने आपको एक मेंटल लेवल पे बूस्टअप देने का मौका मिला कि नहीं, अगर मैं चाहूं तो मैं पढ़ाई के एज में ही अपने आप को एक जो है कम से कम ऐसे लेवल पे खड़ा करने की कोशिश कर सकता हूं जहां से धीरे धीरे अपने गार्जियंस की लॉयलिटी को कम करते हुए अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेने की कोशिश करती है। और आपको पता है कि लाइफ के अंदर बड़ा कौन बना है, बड़ा वही लोग बने हैं इस दुनिया के अंदर इस जिंदगी में जिन लोगों ने समय से पहले ही जिम्मेदारी को ली। अगर आप समय से पहले किसी चीज की जिम्मेदारी लेंगे तो यकीन मानिए वो जिम्मेदारी जो है वो आपको इतनी मैच्योर कर देगी कि एक समय के ऊपर आके आपको लगेगा कि उस समय जो हमने वो जिम्मेदारी उठाई थी उस जिम्मेदारी के दम पे ही आज हमारी पूरी जिंदगी। तो हम लोगों ने भी यही किया था, ऐसा नहीं था कि पढ़ने के समय में हमें गार्जियंस ने पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए या ऐसा कुछ था कि हम बहुत ज्यादा दिक्कत में थे, लेकिन हमें लगा
कि नहीं ये बहुत ही शानदार सी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और अगर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हम लोग उठा लें तो इस फायदे से सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारी जिंदगी बदली, इस फायदे से ये हो सकता है कि हमारे जो है लाइफ स्टाइल के अंदर या हमारे आने वाले 2-3-4 जनरेशन की लाइफ हम लोग बदल के रख सकते हैं। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ड्यूसॉफ के करियर को पिछले 21 साल का, तो हमें लगता है कि वो आज से 21 साल पहले लिया गया एक छोटा सा डिसीजन कि हाँ मुझे ड्यूसॉफ ज्वाइन करना है, क्योंकि जिस समय मैंने प्रोजेक्ट देखा या आपने प्रोजेक्ट देखा हो तो उस समय हमारे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही च्वाइस होती, या तो आप उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे या आप कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं करना। और उस ज्वाइन करने का एक जो छोटा सा डिसीजन था, उस डिसीजन ने आज मुझे पर्सनली इस लेवल पे पहुंचाया कि मुझे लगता है कि अगर मैं ड्यूसॉफ्ट के साथ नहीं होता तो आज किस गुमनामी में होता, कहां होता, क्या 5-10 हजार की लाइफ होती, मतलब उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहां तक सोच जाती नहीं कि होता कहां। लेकिन इस 20 साल की मेहनत के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इस सिस्टम ने हमारी जिंदगी के अंदर उन तमाम चीजों, उन तमाम सपनों को, जो सपने मैंने कभी शायद देखा था, उन सभी सपनों को तो एक एक करके पूरा किया ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे सपने जिन सपनों को मैंने नहीं देखा था वो सारे सपने भी पूरे। इसी पटना जैसे शहर में हम लोगों ने जो अपने लाइफ की करियर की स्टार्ट की थी तो उस समय एक 200 रुपए के बेड से जिंदगी की शुरुआत हुई, और इस ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करके, इस ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन प्रोजेक्ट को प्रमोट करके आज 20 साल के अंदर इतनी बड़ी टीम खड़ा कर चुका हूं, उस 200 के बेड से उठा के इस ड्यूसॉफ्ट ने मुझे 2 करोड़ के घर तक पहुंचा दिया। जिस समय ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत हुई थी उस समय आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे कि मेरे पास पर्सनल एक साइकिल नहीं थी कि मैं कोचिंग या अपने ट्यूशन पढ़ने के लिए साइकिल से जा सकूं, लेकिन आज इस ड्यूसॉफ्ट की मेहनत के बदौलत, इस सिस्टम के जरिए आज एक कार की बात नहीं, आज कारें हैं हमारे पास। आप सोच सकते हैं कि ड्रीम्स वैसी नहीं जो ठीक है किसी तरीके से हो जाए, ड्रीम्स ऐसी जो आप भी नहीं सोचे, एक लाइफ स्टाइल इस तरीके का जो लोग सपने में सोचते हैं, देश विदेश घूमने की आजादी, एक उस तरीके की सोच जिस सोच के साथ जो है बेहतर से बेहतर आदमी करियर को बिल्ड कर सकता है। कहने का मतलब जिंदगी के अंदर जो कुछ भी आप चाहते हैं, कहते हैं कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, आपको जो कुछ भी करना है इसी टाइम फ्रेम के अंदर करना है, और आपके पास जो है टाइमिंग लिमिटेड है, और इसी लिमिटेड टाइम के अंदर अपने नाम को टॉप के ऊपर ले जाना है। तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उस लिमिटेड टाइम पीरियड को भी एक और कम से कम समय में आपको पूरा कराने का कोशिश करता है। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति अगर जॉब करता है, नौकरी करता है, 40 साल उसकी एज होती है उस समय जाके वो कार खरीदता है, 50 साल उसकी एज होती है उस समय वो घर खरीदता है, 55 साल एज होती है जब वो विदेश दौरा करता है, 60 साल एज होते वो रिटायर कर जाता है। तो वो कुछ कुछ सब चीजें लिया, वो घर खरीदा, कार खरीदा, लेकिन उसमें एज का जो बैरियर था, गैप था, कि जो एंजॉयमेंट होना चाहिए था वो नहीं। अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोगों ने ड्यूसॉफ्ट के करियर को 20 साल में स्टार्ट किया, 20 साल में स्टार्ट किया और 21वें साल में कार आ गई, 20 साल में स्टार्ट किया 24वें साल में घर आ गई, 20 साल में स्टार्ट किया 25वें साल में जो है विदेशी दौरा स्टार्ट हो। तो कहा जाता है कि लाइफ एक ऐसी चीज है जो जितने जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आप इस चीज को फील कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, और हमें लगता है कि वो मौका हमें ड्यूसॉफ्ट ने दिया, और इस ड्यूसॉफ्ट के जरिए वो तमाम तरह की चीजें जो जिंदगी में एक आदमी सोचता है समझता है वो हासिल किया। और आज भी सबसे बड़ी चीज है कि 40 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद भी इस सिस्टम के अंदर हम नॉट आउट। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज 60 साल के हो जाते हैं तो रिटायरमेंट की जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम लोग आज 40 साल में अगर देखेंगे तो फाइनेंशियली तरीके से रिटायर हो चुके हैं। आज वो तमाम तरह की चीजें जो हमें लाइफ के अंदर हासिल करना चाहते हैं वो सारा कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नॉट आउट, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि नहीं हमारे लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी। तो अब आपको बताऊं कि आज अगर आप हमसे पूछें कि अब क्या करना बाकी, तो अब ये करना बाकी है कि हमारी जिंदगी के अंदर जितना कुछ हमने अचीव किया हमने उसको लाइव एक्सपीरियंस के तौर पे अचीव करते गया, और उस अचीवमेंट्स के साथ साथ हमारे पास एक पर्सनल लेवल का एक एक्सपीरियंस आया, अनुभव आया, नॉलेज आया। और कहा जाता है कि जिंदगी के अंदर आपको जो सबसे बड़ी चीज जो सीखने को मिलती है और जिस चीज से आप सबसे ज्यादा सीखते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है कि जो आपने लाइव किया, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आज आप देखेंगे, आज यहाँ पे हम लोग के साथ
इस सिस्टम में बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर हैं, चिंटू सर जैसे लोग हैं, कुमार मनीष सर जैसे लोग हैं, रणवीर सर जैसे लोग हैं, जिन लोगों के टीम के अंदर आप सोच सकते हैं कि 5 लाख लोगों की टीम है। आप सोच के देखिए 5 लाख लोगों की टीम, तो 5-5 लाख लोगों की टीम इन लोगों ने बनाया अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। कोरोना के समय में इंडिया से बाहर भी लगभग 10-12 कंट्री तक चिंटू सर की टीम पहुंची। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट के अंदर उतना दम था, उतना पावर था, तभी तो ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के अंदर गया। तो आज जब आप चिंटू सर की बात करेंगे, कुमार मनीष सर की बात करेंगे, रणवीर सर की बात करेंगे, तो इन लोगों के पास इस सिस्टम का 22 साल का अपना खुद का किया हुआ लाइव एग्जांपल के साथ साथ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उसके बावजूद भी हमारी तरह वो सारे लोग भी नॉट आउट हैं, और वो नॉट आउट इसलिए नहीं कि उनको कुछ अचीव करना है। उनकी जिंदगी के अंदर तो उन्होंने वो सारी की सारी चीजें अपने जिंदगी के पहले 5 साल के अंदर ही अचीव कर लिया। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो 2001 में मैंने न्यूज ऑफ स्टार्ट किया और 2006-07 पूरी जान लगा के मेहनत की, और 7 तक आते आते 6 साल के अंदर वो सारी चीजें जो मैं अपने लाइफ में चाहता था वो सारा कुछ अचीव कर, कुछ भी ऐसी चीज बाकी नहीं रही। लेकिन आप पूछेंगे कि फिर उसके बावजूद भी आज क्यों मेहनत हो, आज क्यों जान लगा? तो आज हमें ये फील हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें जिंदगी में मौका नहीं मिला। उनको लगता है कि वो एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए जिस फैमिली में उन्हें जो गार्जियनशिप की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। उनको ये लगता है कि उनके घर वालों ने उन्हें उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाया, उनको एक अच्छी कॉन्वेंट की या इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन नहीं थी। उनको लगता है कि उनका भी जो जिंदगी गुजरना चाहिए था वो एक अच्छे पक्के मकान में गुजरना चाहिए था, लेकिन उनके घर जो थे वो फूस के ही रह गए, एस्बेस्टस के रह गए, आपके जो है नॉर्मल तरीके से ही रहे। उनको ये फील होता है कि हर पर्व त्योहार के अंदर, चाहे वो दीपावली हो, दशहरा हो, ईद हो, उन्हें घर वालों की तरफ से अच्छे कपड़े मिलने चाहिए थे, सब कुछ ये होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं। तो वो कसक कहीं ना कहीं उनके अंदर है, और वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को दिल में दबा के बैठे कि हमारे पास भी अगर अच्छा फैमिली होता, अच्छा लाइफ होता, हमारे गार्जियंस अच्छे होते, हमारा परिवार भी बहुत मतलब सुखी संपत्ति से भरपूर होता, सुखी संपन्न होता, तो हम भी वो सारी चीजें कर सकते थे जो बहुत सारे लोगों को वो देखते। न्यूसॉफ्ट ने हमें वो मौका दिया। ठीक है, आपके गार्जियंस ने उस लेवल पे चूंकि वो नहीं थे, चूंकि जहां बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव जो है वो कहाँ हो? आप अपने गार्जियंस के अंदर जाके उनके पीछे का जो अतीत है, उनका जो पास्ट है, पुराना जो भूतकाल है, उसको आप नहीं बदल सकते। बदलाव जब कभी भी होता है दुनिया के अंदर तो हमेशा वो बदलाव जो है वो वर्तमान में होता है। और जब आपका वर्तमान बदले, मतलब जब आपका करेंट का जो अभी टाइम है, जो प्रेजेंट है आपका, वो बदलेगा, तभी आपके फ्यूचर बदले, तभी आपका भविष्य बदले। पीछे की बातों को आप उड़ देंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी ही आपके पास आएगी, कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास आएगा। तो जो गार्जियंस ने हमारे आपके लिए नहीं किया, वो सारा निगेटिविटी वाला पार्ट आपके दिमाग में भरा, वो पीछे की चीजें, वो पास्ट है। ऊपर वाले ने आपको एक ड्यूस ऑफ के तौर पे बहुत बड़ा जरिया दिया कि उन सभी चीजों को आप ओवरकम कर सकते हैं, और कम से कम आप जो चीज अपने गार्जियंस के बारे में या अपने पिछले जनरेशन के बारे में अपने दिल और दिमाग में वो चीजें भरे हुए हैं, आने वाले कल में जब अगला आपका जनरेशन आएगा तो कम से कम आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते। तो ये ड्यूस ऑफ ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और हमने उस अपॉर्चुनिटी के दम पे उस पर मेहनत की और उसको अचीव किया। और आज जो मेहनत हो रही है, उस मेहनत के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जिनको अभी लगता है कि नहीं, हमारे लिए जिंदगी खत्म हो गई, हमारे लिए मौका नहीं है, हम समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के लोग हैं, बड़े लोग तो अच्छा करके, हमारे पास कोई मौका नहीं है, हम मिडिल क्लास से हैं, हम लोअर मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि उनके पास भी एक शानदार सी अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज से 30 साल पहले आई थी, वही सेम अपॉर्चुनिटी आज के तारीख में उससे भी ज्यादा जोशों खरोश के साथ, ताजगी के साथ आज 22 साल के बाद ड्यूसॉफ्ट आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे। हमारे पास जब ये ड्यूसॉफ्ट आई थी तो बहुत दुबला पतला ड्यूसॉफ्ट थी। हम लोगों ने जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था, चिंटू सर ने जब ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया, वो लोग जब प्लान करते थे, बताते थे हम लोगों को कि वो लोग जब प्लान करने जाते थे, लोग उनसे पूछते थे ये बताइए आपकी जो कंपनी है ड्यूसॉफ्ट ये कितनी पुरानी है, तो वो लोग डरे से हमें बोलते थे कि कंपनी तो अभी हमारी 6 महीने पुरानी है। तो लोगों का जवाब आता था कि ठीक है, पहले 2-3 साल आप अपनी कंपनी को थोड़ा सा जो है दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा कंपनी आपकी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप मेरे पास आइएगा, तब मैं ज्वाइन। आप सोचिए उस विपरीत परिस्थिति से निकल के उन लोगों ने इस सिस्टम के जरिए
22 साल में 5 लाख तो तक के लोगों की टीम खड़ी कर। आप जिस समय में इस अपॉर्चुनिटी को लिए हैं, उस अपॉर्चुनिटी के साथ आपका 22 साल का ड्यूसॉफ्ट का एक कहते हैं कि बिग बैनियन की तरह जो बड़ा बरगद का पेड़ होता है जिसकी जड़े जो है कहते हैं कि दुनिया इधर से उधर हिल जाएगी, लेकिन वो जो बैनियन ट्री का जो रूट होता है, जड़ होता है, वो हिलता नहीं, और वो मीटर्स में होता है। ये नहीं कि एक जगह जड़ है तो एक ही जगह, वो 100 मीटर 200 मीटर तक उसकी जड़ें फैली होती। तो पिछले 22 साल के अंदर पूरी दुनिया में एजुकेशन फील्ड के अंदर ड्यूसॉफ्ट ने जो अपनी जड़ फैलाई है उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उसके साथ साथ जो आपके सीनियर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, चिंटू सर है, मनीष सर है, रणवीर सर है, उन लोगों के पास भी आज की तारीख के अंदर 20 साल 21 साल का अनुभव है। अगर ये ड्यूसॉफ्ट का स्ट्रॉन्ग रूप और इन लोगों का जो 20 21 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये अगर आपके लिए काम कर जाए तो एक ड्यूसॉफ्ट सिस्टम हो गया और एक आपके गुरु हो। तो कहते हैं कि सिस्टम के बिना भी कुछ नहीं होता, और जब तक आपको अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं उनके बिना भी कुछ नहीं होता। तो आज ड्यूसॉफ्ट स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी आपके पास आ गया है और ड्यूसॉफ्ट के अच्छे गुरु भी आपके, और वो ऐसे गुरु हैं जिन गुरु का आज की तारीख के अंदर कहते हैं कि पेट जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ, वो आज अपनी सफलता के बारे में सोच ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास वो तमाम तरह की चीजें आ चुकी हैं जो एक जो आज आपकी आज जो हसरत होगी कि हमारे पास वो सफलता मिले, वो उस सफलता से एक लेवल तक की जो सीढ़ी है वो आगे क्रॉस कर चुके। इसका मतलब जो आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको मेंटर, जिनको आपने मेंटर माना है, वो मेंटर जो है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनका जो अपना पर्सनल फोकस है वो फोकस आपकी सफलता के। अब आप सोचिए कि एक आइडियल कॉम्बिनेशन आपके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है, जहां पे 22 साल पुराने सिस्टम के साथ आप हैं, जहां पे वर्ल्ड की सबसे जो बेस्ट अगर आप प्रोडक्ट के ही हिसाब से बात करेंगे तो एजुकेशन से अच्छा प्रोडक्ट दुनिया के अंदर कोई हो नहीं सकता, उस प्रोडक्ट को आप डील कर रहे हैं, और जो दुनिया के बेहतरीन गुरु हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं जिनके पास 21 साल 22 साल का अनुभव है, वो मेंटर्स आपके साथ आपकी सफलता में आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर ये तगड़ा कॉम्बिनेशन आपके साथ है तो आप सोचिए अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपके साथ ये सिस्टम और आपके जो मेंटर्स है वो 2 कदम आगे बढ़ाते, तो आप जो है 2 का पहारा नहीं पढ़ेंगे, आप 3 का पहारा, और आप समझ सकते हैं कि जब 2 का पहारा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो गए, लेकिन 3 का पहारा पढ़ेंगे तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो इस रफ्तार के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते। और आज की तारीख में जब हम लोग 21वीं शताब्दी के अंदर है तो 21वीं शताब्दी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है ना जो मैटर करती है, वो मैटर करती है कि आप अचीवमेंट तो हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अचीवर बन जाएंगे, लेकिन उस अचीवमेंट्स की स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है, वो रफ्तार सबसे मैटर करने वाली चीज। और हमें लगता है कि सक्सेस की जो रफ्तार है ड्यूसॉफ्ट की, अगर आप आज की तारीख के अंदर भी ठान ले, आपने किस तारीख को ज्वाइन किया, कब किया, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने जो ड्यूसॉफ्ट किया, हम लोगों ने ज्वाइनिंग की तारीख को कभी पैमाना नहीं माना, हम लोगों ने उस तारीख को पैमाना माना ड्यूसॉफ्ट में सक्सेस करने का जिस दिन आपके दिल और दिमाग ने बगावत क्या कर दी। आवाज आ रही है सुब्रू मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, क्या कर दी, उस तारीख को आप याद करिए जिस तारीख को आपके दिल और आपके दिमाग ने बगावत कर दी कि नहीं, अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती, और अब इस अपॉर्चुनिटी को दम पे तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं जब तक कि हमारी जिंदगी की तमाम हसरतें एक एक करके पूरी ना हो। तो आप सोचिए इससे बेस्ट टाइमिंग आपके लिए हो नहीं सकता है। और हमें लगता है कि यहां से अगर अगला 5 साल आपने अपने दिल और दिमाग को सही कॉम्बिनेशन के साथ काम कर लिया, सिस्टम आपके स्ट्रॉन्ग रूट के साथ तैयार है, मेंटर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ये सब कुछ आपके लिए आइडियल पोजिशन में है, और उस आइडियल पोजिशन में आके अगर आप मेहनत कर दें, आपका जो लक्ष्य है, जो आपका गोल है, वो पूरी तरीके से आपकी आंखों के सामने हो कि 2023 में मुझे ये करना है, 2024 में मुझे ये अचीव करना है, 2025 में मुझे ये करना है, 2026 में मुझे ये करना है, और 2027 तक चिंटू सर, मनीष सर, रणवीर सर की तरह ड्यूसॉफ्ट से रिटायर होकर एक लाइफस्टाइल किंग साइज जिंदगी जीनी। तो ये अगर इनके जिंदगी के साथ हो सकता है कि तो आने वाले कल में आपकी जिंदगी के साथ भी हो सकता है। इसलिए चूंकि कहा जाता है ना कि जिंदगी में आप हमेशा उसी से एक चीज का रखिए कि आप हाथ उन्हीं का पकड़िए जो आपका हाथ कभी ना छोड़े। तो यही सवाल एक टीचर ने पूछ दिया कि एक एग्जाम्पल बताओ कि हाथ उसी का पकड़ो जो कभी आपका हाथ ना छोड़े।
तो लड़के से पूछा तो लड़के ने कहा हाँ सर बिजली का पोल तार जो है इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। तो ये एक निगेटिव एग्जाम्पल हो गया, वो निगेटिव एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। तार को भी आप पकड़ेंगे करंट होगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, फिर तो आपकी जिंदगी चली जाएगी ना, वो तो निगेटिव एग्जाम्पल हो गया। लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर आज मनीष सर, रविया सर, चिंटू सर जैसे लोगों के हाथ आपने पकड़ लिए एक बार, तो आप यकीन मानिए उनके हाथ के अंदर वो फेविकॉल का जोर है कि आप चाह भी लेंगे ना तो वो तब तक आपके हाथों को नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी जिंदगी की सारी सफलता एक एक करके वो हासिल न कर। ये होता है एक 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 गुरु का लक्ष्य। और आपको पता है जिंदगी के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां आपने देखी होगी, वो हर एक लेवल पे सबसे पहले जब अपनी अचीवमेंट्स करता है तो अपने गुरु के बारे में पूछता है। अगर आप क्रिकेट के भगवान की बात करेंगे तो जितने लोग आज सचिन तेंदुलकर को जानते हैं कि वो क्रिकेट के भगवान है, उतने ही लोग उनके जो गुरु थे, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर चिंटू सर होंगे तो करेक्ट करेंगे, उनके गुरु का नाम शायद रमाकांत अचरेकर। करेक्ट है सर, यस सर, रमाकांत। तो उतने लोग जो क्रिकेट के बारे में जानते होंगे वो लोग ये जानते हैं कि रमाकांत अचरेकर जो है वो तेंदुलकर के तरह क्रिकेट तो नहीं खेल पाए, इंटरनेशनल लेवल पे टीवी ब्रॉडकास्ट में नहीं आ पाए, लेकिन हर एक अचीवमेंट्स के बाद जब तेंदुलकर उनसे मिलने जाते थे तो लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति जो इतना बड़ा अचीवर है जब उससे मिलने जाता है इसका मतलब सोचिए कितना बड़ा अचीवर। तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है गुरुओं का इस सिस्टम के द्वारा। मुझे ये लगता है, जो मैंने ये फील किया है कि हमारी सफलता के अंदर भी जो हमारे तमाम सीनियर्स थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। हमने सिर्फ यही किया कि उन्होंने जो हमें बताया, जिस तरीके से गाइड किया, हमने अपने आप को, अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड तरीके से आगे रखा और उन लोगों के बताए हुए रास्ते को एक बार भी बाईपास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये है तो है, उन्होंने कहा कि ये होगा तो होगा, उन्होंने कहा कि इतना तुम कर लोगे, सक्सेस कर जाओगे तो उतना मेहनत की, और कभी ये नहीं देखा कि वो लोग जो है कभी इस तरीके से अगर नहीं भी अचीवमेंट्स हो पाई तो इनकरेज नहीं किया, डिस्करेज करके हर बार इनकरेज ही करते रहे कि ठीक है एक बार गिर गए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा गिर गए कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी नियत साफ है, मेहनत पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने है तो तीसरे बार में सफलता मिलेगी। और मेरे जैसा लड़का यकीन मानिए, सितंबर 2001 की मेरी ज्वाइनिंग थी और दिसंबर 2001 में मैं ड्यूसॉफ से पहला इनकम लिया, तकरीबन 4 महीने की लगभग मेहनत थी। तो उस तरीके के लड़कों को भी अगर सीनियर सपोर्ट करके यहां तक पहुंचा सकते हैं, जबकि उस समय अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी बहुत कुछ नॉलेज या बहुत कुछ चाहे वो लाइफ की बात हो या ड्यूसॉफ के करियर की बात हो, ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया। वही सेम चीज आज आपके पास, मतलब वो पूरा का पूरा माहौल आपके लिए वो बना हुआ है। अब इस माहौल में आप अपने आप कुछ भी सक्सेस आपको करना है तो सक्सेस जिस व्यक्ति को करना होता है हमेशा उसको अपने आप को सेंटर में रखना पड़ता है। आप अपने आप को सेंटर में रखिए, अगले 5 साल तक आप हर किसी तरीके से अपने आप को तपने तपाने के लिए, घिसने घिसाने के लिए तैयार रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, इससे वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट से नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, मेरा जो इरादा है वो हिलने वाला नहीं है, मेरा जो इरादा है वो डिगने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। तब तक हम अपने आप को रुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे जब तक कि अगले 5 साल में मैं अपनी सारी सफलता को एक एक करके पूरा कर लूं। तो ये एक बहुत बड़ा क्लियर कट मैसेज है आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि आपकी जिंदगी के अंदर सफलता अभी तक नहीं है। ये मौका जो ड्यूसॉफ का हमें मिला, हमने इस मौके का फायदा उठा के अपनी जिंदगी को टॉप पे ले, वही सेम मौका आपको भी मिला है आपकी जिंदगी को टॉप पे ले। हमें जब मौका मिला तो उस मौके को हम लोगों ने मेहनत करके बुनाया, मेहनत करके अपनी अचीवमेंट बनाई, और आपको भी जब मौका मिला तो मेहनत आपको करना। हमारे और आपके मेहनत में फर्क क्या था? हमारे और आपके मेहनत में फर्क ये था कि उस समय सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, उस समय सिस्टम के पास ये 22 साल का अनुभव नहीं था, नॉलेज नहीं था। उस समय जो गुरु थे वो भी गुरु अपने जो है लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपने सक्सेस के लिए भी भाग रहे थे, सपोर्ट भी था और खुद की सक्सेस भी थी। आज जो है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है, सक्सेस तो हो चुका है, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये इतना आइडियल माहौल हमें लगता है कि आने वाले समय में आपको मिलने वाला नहीं है, ये बेहतरीन माहौल आपके पास है। और यहां से अगर अगले 5 साल हम लोग सही तरीके से खेल जाए तो मुझे लगता है कि जिंदगी की वो तमाम चीजें या वो तमाम सपने जो आपने देखे हैं वो सारे एक एक करके पूरे होंगे और उसकी शुरुआत इसी ईयर एंडिंग से हो जाएगी, मतलब 2022। हम लोग अब आखिरी 3 साढ़े 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, अगर यहीं से हम
फुलप्रूफ तरीके से मेहनत करने की ठान लें और एकदम ड्यूसॉफ्ट के अंदर हम ये सोच लें, ठान लें कि हमें जो करना है एकदम फुल टाइमर के हिसाब से, एकदम ट्रू ड्यूसॉफ्टियन के हिसाब से, एज ए कैरियर ओरिएंटेड इस सिस्टम को करना है, तो आपको 2022 के एंड आते आते जो है पूरी तरीके से रुझान दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के बीच में आप हैं वो सारे ऐसे लोग हैं जो दिग्गज लोग हैं, जिनके पास लाइफ से लेके हर लेवल की चीजों का एक पुख्ता जो है नॉलेज है, एक्सपीरियंस। और कहा भी जाता है ना कि जब आप अगर शेरों के साथ रहना पसंद करेंगे या आप शेरों के साथ रहेंगे तो आपको आपकी जिंदगी के अंदर संघर्ष करना सिखाएंगे, अगर आप शेर के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप गधों के साथ रहेंगे तो गधा क्या करेगा, कभी भी जिंदगी में आपको संघर्ष करना नहीं सिखाएगा। गधा आपको हमेशा हालातों के साथ जो है समझौता करना सिखाएगा। जैसे हम लोग अपने देहाती के भाषा में बोलते हैं रणवीर सर की गधवा में चाहे 2 मन डाल दो चाहे 6 मन डाल दो वो ऐसे ही चलेगा, यही होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें एक मिली है उम्मीद के तौर पे, मौके के तौर पे, अपॉर्चुनिटी के तौर पे, कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए फायदे में कन्वर्ट करें तो एक बहुत बड़ा एक सक्सेस जो है हमारे बैक में है, पीछे में है। और वो पीछे की सक्सेस हम तभी आगे ला सकते हैं जब हम खुली आंखों से सपने देखने की ताकत रखें। भगवान ने हमें जो 2 आंखें दी है, आप सोचिए कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कितना चीज सही दिया है कि ये 2 आंखें जो हमारे फ्रंट में है, अगर ये 2 आंखें पीछे देते तो क्या होता, हम लोग ऑलवेज पीछे बैकवर्ड देखते, पीछे देखते। आंखें आगे देने के पीछे भी एक लॉजिक है, रीजन है। ऊपर वाले ने हमारे आपके लिए आंखें इसलिए आगे दी कि जो पीछे आपकी जिंदगी में बीत गया उससे अब कुछ नहीं होना। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, आप हमेशा आगे देखिए कि आगे क्या होना। और हमें लगता है कि ड्यूसॉफ्ट में जब आपने इस सिस्टम को ज्वाइन करने का, इस सिस्टम में करियर बनाने का डिसीजन ले लिया तो अब वो मेहनत करने की बारी है। और हम लोग अगर सभी लोग साथ मिलके यहाँ से अगले 5 साल के मिशन पे मेहनत कर दें तो वो तमाम तरह की चीजें आप भी हासिल कर सकते हैं, वो सारे सपने आपके जिंदगी में भी, आपके परिवार के लिए भी हो सकते हैं, जो कभी हम लोग के लिए अछूते थे, अननोन थे। हम लोग भी सोचते थे कि होगा नहीं होगा, लेकिन आज वो सारे सपने को पूरा करके एक लाइफ से लेके लाइफ स्टाइल तक पहुंच के उसको एंजॉय कर। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है, पूरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है कि हमारा जो हाथ है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन कहा जाता है कि सक्सेस जो है एक हाथ से नहीं होती है, तालियां जो है वो, अगर आपको सफलता चाहिए तो एक हाथ का जोर आपको भी लगाना होगा, आपको सफलता चाहिए तो एक हाथ आपका चाहिए, एक बाजू आपका चाहिए और एक बाजू आपके जो मेंटर्स हैं उनका चाहिए, हम लोग का चाहिए। और जब ये दोनों बाजू एक दूसरे के साथ जुड़ेगी तभी वो मजबूती वाला जोर आए। और हमें लगता है कि ये जोर अगर आ गया और ये जोर कुछ सालों तक साथ में रह गया तो आप वो तमाम तरह की चीजों को अपने लाइफ के अंदर हासिल होते देखेंगे जो शायद कभी आपने ख्वाब में देखा था। वो सारे के सारे ख्वाब जो लोग कह रहे कि ख्वाब है पूरा नहीं होता है, हम लोगों ने उन ख्वाबों को ड्यूसॉफ्ट के अंदर हकीकत होते हुए देखा है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये ख्वाब हमारे हकीकत में बदल सकते हैं तो आप कोई ऐसा कारण आइडेंटिफाई करिए कि वो जो ख्वाब है वो आपके हकीकत में क्यों नहीं बदले। अगर इसी ड्यूसॉफ्ट के जरिए 20 साल में हम लोगों ने इतनी बड़ी सफलता पाई है तो आप भी तो उसी ड्यूसॉफ्ट के अंदर है जिस ड्यूसॉफ्ट में हम लोग हैं। हम लोग तो दुबला पतला ड्यूसॉफ्ट में थे, आप तो वो मोटा वाला ड्यूसॉफ्ट के अंदर है। और आप सोचिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके के माहौल है, 2001 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय सरकार की कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था। पहली बार इन लोगों ने 2016 में ये जो है गाइडलाइन पास किया और 2021 के अंदर जो है ये गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया और पूरी तरीके से आज के तारीख के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सरकार के माध्यम से आ, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ही आ। सोचिए हम लोगों ने जो अपनी जिंदगी को झोंका तो उसका जो पहला 15 साल था 2001 से लेकर 2016 तक वो तो अंधेरे में ही था, संघर्ष करने में बिता दिया। अब अगर सोचिए कि कितना बड़ा हमारे लिए जुल्म होता कि अगर उस 2016 में जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया, गाइडलाइन दिया, उस समय कहता कि नहीं इसको हम मानते नहीं है, ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, सोचिए हमारा करियर कहां होता। 2016 में पहली झलक दिखाई और 2021 में सरकार ने मुहर लगा दिया। और मुहर लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है पता है? क्योंकि आज भारत के सरकार को लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पे किसी भी एक इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा रोजगार एक इंडस्ट्री दे सकती है तो वो इंडस्ट्री आने वाले कल में चल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तभी सरकार ने इतना पुख्ता रूल लॉ नियम कानून बनाया है। इसका मतलब है कि अब आप पूरी तरीके से एकदम सिक्योर है
और आने वाले कल में जिस तरीके से हम लोग को वो लेवल का रिकॉग्निशन शुरू में नहीं मिल रहा था, आज वो लेवल का रिकॉग्निशन में मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आने वाले कल में आप देखेंगे कि जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो MBA की पढ़ाई की बात करें, यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज की बात करें, वो सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो आ चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग के जरिए लोग जो है कोर्स कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली चीजें, और आप ऐसे समय पे आए हैं जिस समय पे सरकार ने भी इसके ऊपर पुख्ता मुहर लगा दी। तो हमें लगता है कि एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी आज की तारीख के अंदर ये ड्यूसॉफ्ट हमें प्रोवाइड कर रही है, और अगर हम चाहें तो इस करियर अपॉर्चुनिटी के दम पे हमने अपने पीछे क्या खोया है उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस खोई हुई चीज से जो चीज पाया कि हम अपनी मेहनत के दम पे उसकी ग्लोरी को फिर से वापस करें, और आने वाले कल का जो हमारा जनरेशन होने वाला है अपने जनरेशन के साथ साथ, अपने सक्सेस के साथ साथ, उसको भी हम अच्छे तरीके से सिक्योर करें। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सिस्टम हमारी जिंदगी में आके इतना बड़ा परिवर्तन और बदलाव लाया और हमें शून्य से उठा के शिखर तक पहुंचा दिया, उसी तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर भी ये सिस्टम दस्तक दे चुकी है। अब आपको वही जो मैंने आपको एक वर्ड कुछ मिनट पहले बताया था कि आपके दिल और दिमाग को बगावत करवा रहा हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूं जब तक मैं सक्सेस ना करूं, जब तक मैं अपनी सफलता को हासिल न करूं। और उस सफलता को हासिल करने के दरमियान में वो तमाम तरह के सपोर्ट्स का सिस्टम आपके साथ हम लोग के तौर पर जारी रहे, हम लोग तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपकी सारी की सारी सफलताएं एक एक करके पूरी ना हो। तो ये उम्मीद हमारे साथ है और हमें लगता है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। 2022 का जो हमारा मिशन था, अभी हमारे जितने भी एसोसिएट्स होंगे आपने अभी देखा होगा, जस्ट आज से एक सप्ताह पहले ही पटना के अंदर क्या हम लोगों ने धमाका किया था और किस तरीके से जो है मतलब 350 लोगों की गैदरिंग वाले हॉल में हम लोगों ने 550 लोगों की जो है वो प्रोग्राम किया और लोगों को फील होने लगा कि वाकई में जो गर्मी आपको कोरोना से पहले लोगों को महसूस होती थी वो गर्मी वाली फीलिंग यहाँ पे आ गई कि नहीं, ड्यूसॉफ्ट के अंदर वाकई में जो है किसी भी काम नहीं करता है इस तरीके की वो जुनून की गर्मी होती। तो ये हम लोग लगातार उस तरीके से आपके साथ आपके सक्सेस के रास्ते पे उस पैटर्न पे मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर जो हमारे एसोसिएट्स अभी सुन रहे होंगे, मैं परसों आप सभी लोगों के साथ जो हमारे धनबाद के या उस सराउंडिंग एरिया के एसोसिएट्स होंगे, मैं पर्सनली वहां पे रहूंगा परसों 20 तारीख को। जो हमारे गढ़वा या डाल्टनगंज के जो उधर झारखंड के एसोसिएट्स हैं, मैं 21 को उन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा वो लोग सेमिनार फिजिकल ऑर्गेनाइज किए हैं वहां पे मैं रहूंगा। तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऑनलाइन के जरिए ही आपको सपोर्ट की बात, ऑनलाइन के साथ साथ लगातार आपके फील्ड्स में जाके, आपके आसपास में जाके माहौल बनाना, आपको आपके दिमाग को पूरी तरीके से जो है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में भरना, और नॉट ओनली कि सिर्फ मैं, इसी तरीके से चिंटू सर, रणवीर सर, मनीष सर, मतलब हर जगह पे जाके मुझे लग रहा है कि अभी चिंटू सर का जो विजिट है शायद आज या कल में वो फिर उड़ीसा टीम के साथ निकल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 4-5 दिनों का पूरा टूर है उड़ीसा, सुप्रीम बोल रहे हैं यस सर। रणवीर सर का भी प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि गया में है, मनीष सर जा रहे हैं चतरा झारखंड, हर जगह लोग जो है मतलब इस तरीके से सपोर्ट, और कहीं अगर वो जा रहे हैं तो वो आपकी सफलता के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो उस चीज से एक जो अब सोचे ना, हम जब कोरोना खत्म हुआ तो कोरोना खत्म होने के बाद जब मेरी पहली स्पीच आई थी तो मैंने यही कह दिया कि आज मुझे रियल मायने में पता चला कि भगवान ने हमें दो हाथ दिए, दो हाथ हमें इसलिए दिया क्योंकि हम दोनों हाथ से हथियार चला सकते। पहले हाथ में ऑफलाइन वाला हथियार था जो सेमिनार हम लोग माइक के सहारे लेते थे, और दूसरे हाथ में कोरोना के बाद हमें ऑनलाइन वाला हथियार चला। तो सोचिए हम लोग तो सिर्फ ऑफलाइन ऑफलाइन करके ही इतनी बड़ी सफलता पाए, एक हाथ से ही हथियार चलाया, आप जैसे लोग जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हाथों से हथियार चलाएंगे तो सोचिए आपकी सफलता की रफ्तार क्या हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ी जो है घटना आपकी जिंदगी में, सुखद घटना जो है वो घटने वाली है आने वाले कल में, 2022 के एंड में, 23 के स्टार्ट में, 24 में, और आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार है तो ये टीम CNS पूरी तरीके से आपके लिए तैयार है और आपके सपनों को पूरी तरीके से मजबूती के साथ पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। हमारा भी आपके संकल्प के साथ हमारा भी संकल्प और ये सिस्टम का भी संकल्प। आज सिस्टम आप सोचिए कि अगले महीने में जो है 23वें साल में पहुंच जाएंगे, हम लोगों ने इस सिस्टम को 1 साल से पूरा होते होते 23 साल तक दिखाया है। आप सोचिए 2025 के अंदर ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम अपनी क्या मनाएगी, सिल्वर जुबली मनाएगी। आपने अभी तक सिनेमा का ही सिल्वर जुबली देखा होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शोले जो है आपका 25 सप्ताह चलता था,
यही होता ना रणवीर सर, 25 सप्ताह चला तो सिल्वर जुबली। जी सर, जी सर। आज आज ड्यूसॉट 25 सप्ताह पे सिल्वर जुबली नहीं मनाने की तैयारी कर रही है, ड्यूसॉट 25 साल पे। 25 साल का मतलब होता है तकरीबन 1250 से 1300 हफ्ते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आप एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हैं जो सिस्टम वाकई में कुछ ऐसा खतरनाक तरीके से अपने आप को स्टैंड आउट कर रही पूरी दुनिया के अंदर कि आप अगर चाह लें तो आपकी सफलता सिस्टम का मतलब कुछ भी नहीं, आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते, जो आप चाह नहीं सकते और जो आप कर नहीं सकते, वो सारी की सारी चीजें मतलब आपकी बियॉन्ड जो एक्सपेक्टेशन की बात है वहां तक आप पहुंच सकते। लेकिन मेहनत कहा जाता है कि दुनिया के हर काम में आपको सक्सेस करने के लिए करना है, मेहनत यहां भी कर, दुनिया के हर काम में जो मेहनत करेंगे तो वो आपको एक ग्रेजुअल सक्सेस देगा, धीरे धीरे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आएगा। लेकिन इस सिस्टम के अंदर अगर आप जान लगाएंगे तो हो सकता है कि एक आम इंसान जो 30 साल में मेहनत करके अपनी जिंदगी में सफलता पाता हो, वो एक आम ड्यूसॉफ्टियन 5 साल की मेहनत से वो तमाम तरह की चीजों को हासिल कर सकता है जो एक एवरेज आदमी, एक नॉर्मल आदमी 30 साल में पूरा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे, आपके जहन में दस्तक दे चुकी है। इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप जितना ज्यादा इसके साथ घुले मिले रहेंगे, जितना ज्यादा कहते ना इसके रंग के अंदर रंगे हुए रहेंगे, जितना ज्यादा सरोपार हो जाएंगे, उठना बैठना, हंसना रोना, गाना खाना पीना सोना, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपका ड्यूसॉफ्ट मैं हो जाएगा तो समझिए आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा। तो इसी उम्मीद और शुभकामना के साथ कि हम लोग आपकी सफलता को हासिल करवाने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील है, संकल्पित मैंने कहा कि हम लोग तैयार हैं। अगर आप भी तैयार हो जाएंगे और आप भी तैयार हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सुनहरा कल हमारा इंतजार कर रहा है। और इस तरीके से जब कोई भी हमें मौका मिलेगा अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, कभी भी इस मौके को हम लोग नहीं चुकेंगे कि अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के दम पे आपके अंदर वो पूरी की पूरी चीजें, वो बारूद जो है वो भरी जाए। और वो बारूद जब भरी जाएगी तभी वो ब्लास्ट होगा। देखते हो ना आप माचिस का जो डब्बा होता है उसके दोनों तरफ पे बारूद लगी होती है, लेकिन क्या वो बारूद से वो आग निकलती है? आग जलती है? नहीं जलती। बारूद से आग कब जलती है? बारूद से आग तब जलती है जब उस माचिस के तीली के डब्बे पे जो बारूद है उसको जो है घिसा जाता है, रगड़ा जाता है। तो ये ड्यूसॉफ्ट वो दे चुकी है आपको, बारूद लगा हुआ है, आग लगाना जो बाकी है वो आप जब उसे घसेंगे, आप जब रगड़ेंगे मेहनत करके, तब जाके वो ब्लास्ट हो। और जब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है? उसका जो सूर होता है वो पूरी दुनिया में जाता है। आज अगर हमारी सक्सेस है तो हमारी सक्सेस की सूर पूरी दुनिया के अंदर है। चिंटू सर, मनीष सर, रणवीर सर ने जो अचीवमेंट्स किया है हर कोई जानते हैं कि किस तरीके से, कहां से उठ के, कैसे करके उन्होंने 20 साल के अंदर इतनी बड़ी सफलता हासिल की। बाकी जिंदगी में अगर रहते तो वो सफलता हासिल मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सपने में सोच भी नहीं सकते कि एक एवरेज इंसान जीरो से उठ के वहां तक पहुंच सकता। तो वो सारी कहानी जो हम लोगों के साथ हुई, सर लोगों के साथ हुई, वो कहानी आने वाले कल में आपके साथ भी रिपीट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ के अंदर भी रील वो उसी तरीके से रिपीट हो तो आप जो है वो मेहनत करने के लिए, जान लगाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए एक एक करके वो सारी चीजें आपके साथ होती चली जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि उस तरीके से आप मेहनत करें जिस तरीके से आने वाले कल में आपके जनरेशन आपको याद रखें कि हमारे घर के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरीके का मेहनत किया, ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि आज उन्हीं की अपॉर्चुनिटी के दम पे किए गए मेहनत पे हम लोग आज अपनी जिंदगी में ऐसो आराम करें। तो कहा जाता है किसी भी मतलब व्यक्ति के जिंदगी में जो एक जनरेशन होता है वो पूरी तरीके से उस परिवार को बिल्ड करने में लग जाता है। तो मेरी उम्मीद है कि अगर आपका परिवार अभी उस तरीके से बिल्ड नहीं हुआ होगा और वो जो मेहनत और कुर्बानी मांगने का समय है वो आपका ही है कि आप मेहनत करेंगे, आप कुर्बानी देंगे तभी आपका परिवार जो है उस लेवल तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सिस्टम साथ देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ तारा ग्रह नक्षत्र दशा जब एक साथ रहेगा तो सफलता मिलनी ही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।